नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता प्रतीक एसोसिएट वसुंधरा सेक्टर एक से आपके लिए लेके आया हूँ एक 4 BHK का फ्लैट, बहुत ही खूबसूरत लग्जूरियस जो होने वाला है। बिल्कुल आपका टू साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है, 4 BHK में 3 टॉयलेट के साथ। साथ में इस बिल्डिंग के अंदर आपको ग्राउंड पे लिफ्ट पार्किंग का स्पेस मिलता है, प्लस लिफ्ट का स्पेस इसमें दिया हुआ है, लिफ्ट भी आपको रहेगी इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है जो हमारा होने वाला सेक्टर 10 के अंदर। तो प्राइस और साइज की बात कॉमन स्पेस है आपका स्टेयर्स का, प्लस ये इसमें लिफ्ट का स्पेस दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। हम चलते हैं फ्लैट के अंदर। तो वो ये फ्लैट की एंट्रेंस गेट होती है, काफ़ी अच्छा एंट्रेंस का हाइट है इसकी। और जब हम एंट्री कर रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी अच्छा खूबसूरत इसमें ड्राइंग स्पेस दिया हुआ है, सुपर साइज के साथ 4 BHK है। ये देखिए इसमें फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग है, कॉबलाइट, झूमर, फैंस, इसमें सारी चीज़ लगी हुई है। प्लस इसमें देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी इसमें सीनरी भी दी हुई है मोर की। और ये इसमें आपका LED पैनल लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं। साथ में ही ड्राइंग के साथ में ये आपकी बालकनी है, ये देखिए स्पेसियस बालकनी, पूरी फ्रंट में काफ़ी बड़ी स्पेसियस बालकनी है, काफ़ी स्पेसियस है। 3D वॉलपेपर के साथ है ड्राइंग रूम इसमें। अब बात करते हैं हम इसमें किचन की तरफ। तो ये ड्राइंग में आपका बिल्कुल साइड में किचन का स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए आप। लग्जूरियस फ्लैट है तो किचन का भी जो डिजाइंस है इसमें बहुत प्यारा दिया है, वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हैं, खाने जो बने हुए हैं इसमें आप देख रहे होंगे प्रॉपर अच्छे खाने बने हुए हैं। ये देखिए आप मिरर के साथ है, हाइड्रोलिक विंडो के साथ चिमनी लगी हुई है इसके अंदर। आप देखिए ये मॉडुलर किचन है इसका, खाने बने हुए हैं काफ़ी अच्छे। ये सिंक लगी हुई है, सिंक के साथ में ऊपर भी आप देखेंगे तो ये बर्तन रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है यार ये। अब इसमें वेंटिलेशन देखिए किचन के अंदर, तो ये वेंटिलेशन आपका प्रॉपर बाहर से नेचुरल वेंटिलेशन है, शाफ्ट का कोई काम नहीं क्योंकि ये टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो शाफ्ट का कोई काम नहीं है। और ये हमारा पहला बेडरूम, ये देखिए काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। अगर मैं इसकी रूम की बात करता हूँ तो करीब 13x13 का कमरा है ये, बिल्कुल 13x13 का रूम का साइज है, बहुत अच्छा स्पेस होता है 13x13। इसमें ये अलमीरा लगी हुई है, रूम के साथ आपका टॉयलेट अटैच, टॉयलेट भी देख सकते हैं काफी अच्छा और स्पेसियस टॉयलेट है इसमें। रूफटॉप तक आपकी टाइल्स लगी हुई है, फॉल सीलिंग है, आपकी फिटिंग्स पूरी कंप्लीट हो रखी है, प्रॉपर शावर वॉश बेसिन वगैरह लगाया हुआ है, वॉश बेसिन भी बहुत अच्छा मतलब आपका। और इस रूम के साथ भी आपकी एक बालकनी अटैच होती है, ये देखिए काफ़ी अच्छी बालकनी है। साथ में फ्रंट का आप बाहर का भी व्यू देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा टू साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो व्यू भी बहुत अच्छा है, नियर में पार्क भी है इसके। अब चलते हैं सर इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है और अगर इसकी मैं बात करता हूँ रूम के साइज की, तो ये प्रॉपर 10x13 का कमरा है, बिल्कुल 10x13 का स्पेस है। आप देख सकते हैं स्पेस खुद से ही नजर आता है कि हाँ स्पेस है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैंने बोला गलत है या कुछ, तो स्पेस अलग ही दिखता है। इस रूम में भी आपका सेल्फ दी हुई है और इस रूम के साथ भी आपकी बालकनी जो मैंने अभी बाहर बालकनी दिखाई दी, तो दोनों रूम के साथ आपकी बालकनी का एक्सेस है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे रूम की तरफ। अभी ये देखिए हॉल के साथ ही ये दूसरा टॉयलेट है जो अटैच्ड है और इसका भी अच्छा स्पेस है काफी, देखिए मिरर वगैरह सारी चीज इसमें लगी हुई है।
पूरा कंप्लीट है, शावर टॉटी वॉश बेसिन वगैरह पूरा कंप्लीट है लगा के। अब चलते हैं हम इसके तीसरे रूम की तरफ। तो ये हमारा तीसरा रूम और सेम साइज है ये हमारा 13x12 का। भी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, काफी अच्छी फॉल सीलिंग है। अलमीरा इसमें भी लगा के दी हुई है, ये देखिए ये अलमीरा का साइज। स्पेसियस है, हर चीज स्पेस बनाई हुई है 4BHK, मतलब काफी कंफर्टेबल साइज में दिया हुआ है, पूरा कंफर्टेबल साइज है पूरा। और ये इसमें थर्ड वॉशरूम, ये देखिए स्पेस करीब 8 फिट के अराउंड का ये टॉयलेट का साइज है पूरा। और बालकनी इससे भी अटैच है, तो आपने जैसे देखा कि 3 रूम के साथ बालकनी आपको अटैच मिली, प्लस 1 ड्राइंग रूम के साथ आपको बालकनी अटैच मिली। अब चलते हैं सर इसके चौथे रूम की तरफ। तो ये हमारा 4th रूम है और 4th रूम का भी आप देख सकते हैं कि स्पेस तो अच्छा है ऑलरेडी, करीब 10x12 का कमरा है, 11x12 का। तो इसमें भी अलमीरा काफ़ी बड़ी है, ये इसमें साफ्टी दी हुई है, वेंटिलेशन के लिए क्या विंडो एसी लगा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फॉल सीलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी फॉल सीलिंग है। तो ये था हमारा, तो दोस्तों ये था हमारा 4-बेडरूम फ्लैट जो अभी आपने देखा, काफ़ी खूबसूरत फ्लैट और काफ़ी अच्छा फ्लैट ये हमारा हमने आपको दिखाया हुआ है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, और नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन ज़रूर करें अगर कोई क्वेरी है। तो ये हमारे सेक्टर 10 की प्रॉपर्टी है और काफ़ी स्पेसियस और अच्छी चीज़, वो भी 2 साइड ओपन एल टाइप की प्रॉपर्टी है हमारी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।